किसी भी इंडस्ट्री के लिए रीढ़ होती है। कम लागत में अच्छी उत्पादकता के लिए सरफेसिंग और हार्ड फेसिंग वेल्डिंग की तकनीक बहुत मायने रखती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग द्वारा यूनाइटेड क्लब में एनुअल वेल्डिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में वेल्डिंग की नई नई तकनीकों पर चर्चा हुई, साथ ही कम लागत पर उत्तम उत्पाद में उत्कृष्ट वेल्डिंग के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। देश के विभिन्न कोने से आए वेल्डिंग विशेषज्ञों ने वेल्डिंग की नई तकनीकों पर प्रेजेंटेशन भी पेश किया। The benefit of the all the delegates who are from the nearby industry. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग जमशेदपुर चैप्टर हर साल एक एनुअल सेमिनार करता है, उसी के तहत ये आज का सेमिनार किया जा रहा है, जो कि सरफेसिंग और हार्ड फेसिंग सब्जेक्ट के ऊपर में इसका थीम है। और इस सब्जेक्ट का रिलेवेंस आज के इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजीज सरफेसिंग और हार्ड फेसिंग की ऐसी आ गई हैं जिससे कि हम इंडस्ट्री में जो मशीन उसके कंपोनेंट्स की लाइफ को इतना बढ़ा सकते हैं और उससे रिलायबिलिटी और प्लांट की अवेलेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सेव इंडियन इनोसेंट फैमिली के बैनर तले महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग के गठन की मांग को लेकर जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल किया जाएगा। महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग सेव इंडियन इनोसेंट फैमिली नामक संस्था ने उठाई है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो कानून बनी थी, एक तरफा कानून धारा 498A, 354 छिड़खानी कानून और 376 रेप कानून, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार आज हमारे देश में इन कानूनों का पड़ताड़ना के कारण बक्सर का डीएम मुकेश पांडे तथा कानपुर के एसएसपी श्री सुरेंद्र दास जी जैसा युवा लोग प्रत्येक वर्ष 96,000 से ज्यादा सुसाइड आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब आंकड़े के अनुसार जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को जब ज्ञापन दिया, मैं ही नहीं हमारे जैसा कम से कम सैकड़ों एनजीओ ने, तो इसकी आवाज संसद तक गूंज रही है। अब लेते ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। 3 दिवसीय कर्मा पूजा का धूमधाम के साथ समापन हुआ। भाइयों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहनें कर्मा डाल की पूजा अर्चना परंपरागत ढंग से करती हैं, फिर उस डाल का विसर्जन किया जाता है। भाई का धर्म भाई के लिए करते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। 2 दिन उपवास रहते हैं और कुछ खाना पीना नहीं करते हैं। हम न्यूज टाइम से, वो दैनिक भास्कर से, वो हिंदुस्तान से।